अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो कमाल। तो गाइस, अगर आपने 18 अक्टूबर 2020 को अगर क्रिप्टो करेंसीज में पैसे लगाए होते तो यकीनन आपके आज 10x हो चुके होते हैं, बेशक आपने किसी भी टोकन में या कॉइन में लगाए होते। तो चलें उसकी मिसाल आज मैं देता हूँ आपको एक नए चार्ट के साथ। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है, वो जो वीडियो हमने बनाई थी 21 मई की, तो ये वीडियो बना रहे हैं आज हम पिछले 2020 के 18 अक्टूबर की। तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो खुला हुआ है BTC USDT टू अल्टकॉइन का चार्ट, ये है 2020 18 अक्टूबर का। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे BTC का जो रेट था बिटकॉइन का वो था $11,344 और इथेरियम का जो रेट था वो था नीचे $367, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने जब देखा था तो आपको याद होगा, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने अगर देखी होगी वो वीडियो, तो उसमें था कि 21 मई का था वो, इसी साल 2020 का था 21 मई का। तो उसमें अगर आप देखें तो इथेरियम का जो रेट होता है उसमें होता है 190 समथिंग का होता है, ठीक है। और अब मई से अक्टूबर के बीच में कितने महीने आते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने आता है। अब इन 4 महीनों में अगर आप देखें तो आपको कितना प्रॉफिट होता, देखें तकरीबन डबल ही हो जाता, 80-90% होता। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर तब से अगर आप होल्डिंग करते हुए आते तो आपको कितना प्रॉफिट होता, चलिए आज वो देखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर पुराना ये चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे ट्रॉन आपको देख रहा है, ठीक है। ट्रॉन अगर हमने पिछली चार्ट से इसको कंपेयर करें तो पिछली चार्ट में ट्रॉन जो था वो 1 सेंट का था और जस्ट जो था वो था 0.007 का, मतलब 4x जस्ट ने सिर्फ अपने 4 महीनों में करा था। और अगर आज के रेट से कंपेयर करें तो जस्ट ने काफ़ी अच्छा खासा पंप करा है उस वक्त से, ठीक है। तो यहाँ XLM को भी आप देख सकते हैं, हमने पिछले चार्ट में देखा था तो 2 सेंट का था और आज अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा, ये भी 20 सेंट का है। तो चलें बात करते हैं हमारे जो मेन जो टोकन है उस पर। तो गाइस अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पुराने वाले चार्ट में हमने देखा था कि पोलोनियोक्स पे ज़्यादातर जो टोकन थे वो कॉइन वो ज़्यादा नहीं थे, इतने नहीं थे जितने अब हैं। इस वाले चार्ट में आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा टोकन भी आए, जैसे ये देख रहे हैं आप YFI, ये उस टाइम पे नया नया लॉन्च हुआ था, शायद उससे कुछ महीने पहले हुआ था, क्योंकि मैंने देखा था जब YFI जब नया लॉन्च हुआ था तो $900 का था। मैंने बाय करते करते रह गया, मुझसे मैंने रिस्की समझा, मैंने इस वजह से मैंने बाय नहीं करा। तो $900 से आप देख सकते हैं ये 13,000, ये तो बिटकॉइन से भी ऊपर गया था बाद में। तो अभी अगर देखा जाए तो हम इनमें से देखते हैं जो बड़े मतलब काम के हैं। अगर जैसा कि आपने वीडियो की टाइटल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप अगर किसी भी टोकन में आप इसमें पैसे लगाते हो उस वक्त में तो आपके कितने बनते हैं। आप रारी में लगाते हैं, आप न्यू, अगर न्यू की बात की जाए तो न्यू आपने देखा होगा पिछली वीडियो में $5 का होता है और अब $17 का। और BNB की अगर बात की जाए तो BNB $30 का है यहाँ पर, जो कि 18 अक्टूबर की बात है। और अगर आप अभी जाके देखें BNB को तो BNB ये रहा, एक बार रीलोड कर देते हैं इसको, अच्छा ये देखें तो $404 का BNB। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने का, $30 का, मतलब ये तो यार कितने 12x से भी ज़्यादा गए। ये तो मतलब अगर आप यहाँ पे अगर $1,000 भी अगर इसमें लगाते, चले $1,000 के, चले हम लोग लगाते हैं 3,000, ठीक है। अब 300 को 30 से करते हैं, 9,000 के पड़ते हैं हमें 300, ठीक है। और अगर वही हम 300 यहाँ पे आके सेल करते हैं तो ये 1,00,000 से ऊपर के बनते हैं। तो मतलब अगर आप $9,000 लगाते तो आप अभी जो है वो $1,20,000 के करीब आपकी वर्थ होती है। तो इसी तरह से अगर आप ये पोलका स्टार्टर को देखते तो पोलका स्टार्टर भी 30 सेंट का था उस वक्त, लेकिन जो मेन जो चीज़ है वो अगर देखा जाए तो फ़ौरन इसके अक्टूबर के बाद 2-3 महीने बाद आई थिंक पोलका स्टार्टर ने, पोलका स्टार्टर ही नहीं, तकरीबन सारे जितने भी टोकन हैं
ऑल टाइम हाई को अपने टच करके आए थे। ये अभी यहाँ पे देखे तो $1.46 का है, ठीक है। अगर हम लोग इसका ऑल टाइम देखें तो ये लगभग $7.5-$8 पे टच हुआ था, एक्सचेंजेस में $8 के ऊपर ही गया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितने एक्स हुआ भाई, कितने एक्स हुआ, ये तो काफ़ी हो गया, ये तो 20x से ऊपर चला गया। और सेम उसी तरह से अगर देखा जाए यूनिस्वैप यहाँ पे $3 का था, और इसका यूनिस्वैप का जो ऑल टाइम हाई था वो भी अच्छा खासा ऊपर गया था। ये रहा यूनिस्वैप, $44 का था, मतलब $45 का 92 सेंट को भी अगर मिलाएं तो $45 का था, 3 सेंट का अगर आप यहाँ पे लेते तो। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आप किसी भी टोकन में अगर आप थोड़े से भी $1,000 भी लगाते तो आपके पास बड़ा अच्छा खासा था, चांसेस थे आपके, जो विनिंग रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था। अगर आप यहाँ पे देखें डोज कॉइन को, तो डोज कॉइन का वैसे तो यूज़लेस था डोज कॉइन, ठीक है, कोई इसका यूज़ केस नहीं था। तो वैसे BNB की जैसे हमने बात की तो BNB का यूज़ केस था, ठीक है, एक्सचेंज का कॉइन था। और अगर हम उसी तरह से पोलकोस इसकी स्टार्टर की बात करें तो इसका भी यूज़ केस था, लेकिन यहाँ पे ये बात आती है डोज कॉइन का, तो इसका कोई यूज़ केस नहीं था कोई ख़ास। तो हुआ ये कि अगर आप कुछ महीने 5-6 महीने पहले भी जाते तो डोज कॉइन का सेम ही रेट था। जो पिछली वाली वीडियो हमारी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें भी यही रेट था, ठीक है। 6 महीने में कोई चेंजेस नहीं आए, ये तो इलोन की मेहरबानी थी कि वो इलोन मस्क ने इसको पम्प करवाया और कहा कि भाई हमारा जो कंपनी है टेस्ला वो भी एक्सेप्ट करेगी इसको, ठीक है, डोज को, और वो स्टारलिंग वगैरह एक्सेप्ट करेगी। वो तो खैर बात की कहानी है, लेकिन जो बात हुई थी उनकी, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टोकन मिलेंगे। उस ज़माने में ये बैलेंसर ये भी नया लॉन्च हुआ था, ठीक है, और एक दूसरा भी था बैलेंसर के साथ, दोनों एक ही साथ आए थे, कॉम्प शायद था वो भी साथ ही में आया था इसके। और यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं पेज नंबर 5 पे, यहाँ पे आते हैं। तो मैटिक अगर आप यहाँ पे देखें तो मैटिक में कोई ख़ास इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था पिछले जो स्टार्टिंग के इनके इनिशियल जो मंथ थे, ठीक है, क्योंकि बाद में वो इसमें पंप हुआ था, ठीक है। इस टाइम पे ये जो अभी का टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, ये जबकि ये स्क्रीनशॉट जबकि मेरे लिए हुए हैं अक्टूबर के 2020 के, उस ज़माने में ये भी एक तो बात बड़ी चल रही थी कि XDAI या मैटिक इन दोनों में से कोई, मतलब उसका अपना इथेरियम का जो है उस पर आएगा ना, तो क्या कहते हैं यार, मुझसे तो भूल गया हूँ मैं कि अच्छा हाँ सेंड आपके सामने पड़ा है, ठीक है। अगर मैटिक को यहाँ से अगर आप कंपेयर करें आज के प्राइस से तो आपको पता चलेगा कि कितना 100x से ऊपर का गया ही है, ठीक है, 200x गया है, क्योंकि ये इसका अगर ऑल टाइम हाई देखा जाए मैटिक का। और अगर आप सेंड पे आते हैं तो सेंड यहाँ पे ये देखें सेंड बॉक्स, इसका सेंड बॉक्स का ऑल टाइम हाई ये रहा आपके सामने $8.40 $8.50 का। और यहाँ पे सेंट को अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 सेंट का, मतलब 200x गया है सेंट। अगर आप इसमें यहाँ पे अगर $1,000 भी लगाते आप तो उसको आप 200 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो $2,00,000 बनते हैं भाई, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बैठ के खाओ। तो सेंट का भी अच्छा खासा था इसमें, मैटिक की तरह सेंट ने भी काफ़ी कमाल किया है इसमें। तो कहने का मकसद ये है अगर आप किसी भी टोकन में लगाते हैं, या आप CRV को पकड़ लें, 45 सेंट का है, ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं CRV का अभी क्या रेट चल रहा है। तो यहाँ पे देखें आप $2.29, अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो आपको बड़ा हैरत हो जाएगी आपको। ये देखें 2020 अगस्त का, ये तो खैर $56। तो इसी तरह ही अगर दूसरे किसी भी टोकन में आप लगाते तो आपको मायूसी कभी नहीं होती, ठीक है। बेशक आप कोई भी टोकन हो, आप अपनी पसंद का टोकन वहाँ पे कोई भी लगा सकते थे, जैसे यहाँ पे WRX आप WZRX का देख सकते हैं। यहाँ पे जिन जिन लोगों को भाइयों को पता है WZRX के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे WZRX 9.5, ठीक है, 9 सेंट का था WZRX, ठीक है। और अभी की अगर बात की जाए तो अभी WZRX चल रहा है
57 थे इनका, ठीक है। और अगर इसका ओल्ड टाइम अगर आप हाई देखें तो वो है भाई $6 को टच करने वाला था, तो काफ़ी अच्छा खासा चला है ये। माना भी ये आपके सामने पड़ा है, माना डिसेंट वाले लैंड को अगर देखा जाए तो 60 सेंट का था, और वो भी अच्छा खासा। ये मैं पुराने वाले कोई चार्ट आपको नहीं दिखा रहा स्क्रीन शॉट्स, ये नए वाले हैं, ठीक है। पुराने वाले मैंने पिछली वीडियो में बात की थी 21 मई के थे, और अब है ये 18 अक्टूबर के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने टोकन लेता गया तो तब ये हुआ। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि नए नए जो इसके बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे ये जो मैंने बाय करा है, कितने का बाय करा है, क्या, ये मैं सारा कवर करूंगा आप, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I wanna visit, are you alive?